यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज विधानसभा का मानसून सत्र है और कोरोना की वजह से विधानसभा के मानसून सत्र को सिर्फ एक दिन का किया गया है, तो एक दिवसीय मानसून सत्र उसका होगा आगाज आज से। और एक दिवसीय इस मानसून सत्र में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसमें सरकार अध्यादेश लाएगी, विधेयकों को लेकर आएगी और इसी दिन सरकार को ये पास भी करवाने हैं। और प्रश्नकाल बताया जा रहा कि होगा नहीं, शून्यकाल में प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और कार्य स्थगन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि मानसून सत्र में कोरोना का असर साफ देखने को मिलेगा। कई विधायक कोरोना की वजह से वर्चुअली इस सत्र का हिस्सा बनेंगे, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होंगे लेकिन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे सत्र का। कई अध्यादेश और विधेयक सरकार लेकर आएगी। कि आज विधानसभा का मानसून सत्र है और कोरोना की वजह से विधानसभा के मानसून सत्र को सिर्फ एक दिन का किया गया है, तो एक दिवसीय मानसून सत्र उसका होगा आगाज आज से। और एक दिवसीय इस मानसून सत्र में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसमें सरकार अध्यादेश लाएगी, विधेयकों को लेकर आएगी और इसी दिन सरकार को ये पास भी करवाने हैं। और प्रश्नकाल बताया जा रहा कि होगा नहीं, शून्यकाल में प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और कार्य स्थगन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि मानसून सत्र में कोरोना का असर साफ देखने को मिलेगा। कई विधायक कोरोना की वजह से वर्चुअली इस सत्र का हिस्सा बनेंगे, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होंगे लेकिन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे सत्र का। कई अध्यादेश और विधेयक सरकार लेकर आएगी। कि आज विधानसभा का मानसून सत्र है और कोरोना की वजह से विधानसभा के मानसून सत्र को सिर्फ एक दिन का किया गया है, तो एक दिवसीय मानसून सत्र उसका होगा आगाज आज से। और एक दिवसीय इस मानसून सत्र में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसमें सरकार अध्यादेश लाएगी, विधेयकों को लेकर आएगी और इसी दिन सरकार को ये पास भी करवाने हैं। और प्रश्नकाल बताया जा रहा कि होगा नहीं, शून्यकाल में प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और कार्य स्थगन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि मानसून सत्र में कोरोना का असर साफ देखने को मिलेगा। कई विधायक कोरोना की वजह से वर्चुअली इस सत्र का हिस्सा बनेंगे, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होंगे लेकिन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे सत्र का। कई अध्यादेश और विधेयक सरकार लेकर आएगी। कि आज विधानसभा का मानसून सत्र है और कोरोना की वजह से विधानसभा के मानसून सत्र को सिर्फ एक दिन का किया गया है, तो एक दिवसीय मानसून सत्र उसका होगा आगाज आज से। और एक दिवसीय इस मानसून सत्र में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसमें सरकार अध्यादेश लाएगी, विधेयकों को लेकर आएगी और इसी दिन सरकार को ये पास भी करवाने हैं। और प्रश्नकाल बताया जा रहा कि होगा नहीं, शून्यकाल में प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और कार्य स्थगन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि मानसून सत्र में कोरोना का असर साफ देखने को मिलेगा। कई विधायक कोरोना की वजह से वर्चुअली इस सत्र का हिस्सा बनेंगे, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होंगे लेकिन वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो हिस्सा बनेंगे सत्र का। कई अध्यादेश और विधेयक सरकार लेकर आएगी।